नमस्कार दोस्तों, फूड इवेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एक सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पर 3 अंडे, और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। आलू को मैंने अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 अंडे को तोड़ के डाल देंगे। 3 अंडे तोड़ के डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, 2 चम्मच यहाँ पे प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से हम सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप ये रेसिपी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। आप यहाँ पे 3 अंडे की जगह 2 अंडे का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच के बेसन, और अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 2 चम्मच से ज़्यादा हम यहाँ पे बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सबसे पहले पैन में ले लेंगे हम 2 चम्मच तेल, और तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा जब अच्छे से गरम हो जाए हम डाल देंगे अंडे और आलू। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे, और अच्छे से हम चारों ओर आलू को इस तरीके से फैला देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रख के ढक देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद नीचे की ओर अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम एक बड़ा सा प्लेट ले लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। देखिए नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे, तो इस तरीके से हम डाल देंगे। देखिए अब हम 2 से 3 मिनट नीचे की ओर भी फ्राई हो जाने देंगे। तो फिर से हम पैन को कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 3 मिनट बाद नीचे की ओर भी अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से आप एक बार स्पैचुला से उठा के चेक कर लीजिएगा। तो देख सकते हो आप, नीचे की ओर भी फ्राई हो गया है। अब हम पैन को निकाल के साइड में रखेंगे। ले लेंगे हम 3 चम्मच तेल, और तेल को हम पहले अच्छे से गर्म करेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाए डालेंगे 1 टुकड़ा छोटे दालचीनी के और 2 छोटी इलायची, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को अच्छे से हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ा करके। गैस का फ्लेम हाई करके प्याज के कलर चेंज हो जाने तक हमें फ्राई करना है। प्याज का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम 1 मिनट और अच्छे से भूनेंगे।
अदरक लहसुन जब हमारा भून जाए हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे। 1/3 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। मसाले को 1 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। मसाले जब हमारा अच्छे से भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। टमाटर पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। मसाले अच्छे से भून गया है, डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और डालेंगे यहाँ पे पानी। आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे, मसाले अच्छे से हमारा भून गया है। तो डाल देंगे करीब हम 1 कप पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और पहले ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे। अब हम इसे स्लाइस में काट लेंगे। पीस आप छोटे बड़े अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो। देखिए तो इसी तरीके से हम सभी पीस को स्लाइस में काट लेंगे। अंदर तक अच्छे से ये हमारा पक चुका है। देखिए ग्रेवी में बॉईल आ चुका है। अब हम सभी पीस इसमें डाल देंगे और आप इसे वैसे चाय के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम में ढक के पकाएंगे। अच्छे से मिलाएंगे, पैन को हम कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 3 मिनट बाद डालेंगे ऊपर से हम कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट हम ढक के सब्जी को पैन में रहने देंगे। फिर मैं आपको 5 मिनट बाद सर्व करके दिखाती हूँ। 5 मिनट बाद सब्जी को हम सर्व कर लेंगे और आप देख सकते हो इसमें ग्रेवी कितना है ठंडा हो जाने के बाद। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और ये देख के जितना टेस्टी लग रहा है लेकिन मानिए ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।